केंद्र सरकार द्वारा खनिज कर्म महामंडल का निधि कोरोना महामारी का सामना कर रहे जरूरतमंदों के लिए उपयोग में लिया जाए, ऐसा केंद्र सरकार का जीआर है, जिस पर अमल नहीं किया जा रहा, ऐसा पूर्व ऊर्जा मंत्री बावन कुले द्वारा कहा गया है। पूरी दुनिया में कोरोना महामारी से तबाही मची हुई है। सरकार द्वारा कई उपयोजना राहत के तौर पर की जा रही है, उसी के चलते केंद्र सरकार द्वारा खनिज महामंडल का निधि कोरोना महामारी का सामना कर रहे जरूरतमंदों के लिए उपयोग में लिया जाए, ऐसा जीआर केंद्र सरकार द्वारा निकाला गया है। लेकिन अभी तक किसी भी जिले में इस जीआर पर अमल नहीं किया गया, ऐसा आरोप करते हुए बावन कुले द्वारा कहा गया कि जल्द से जल्द जीआर पर अमल किया जाए। केंद्र सरकार ने 28 मार्च ला सर्व राज्यांना खनिकर्म महामंडळाचा निधी वापरून निडी लोकांना अन्न मास्क सैनिटायझर द्यायचे आदेश काढले। एकही जिल्हाधिकाऱ्यांनी आदेशाचं पालन केलं नाही। मोठ्या प्रमाणावर हा निधी जिल्ह्याला पडून आहे। एकीकडे लोक उपाशी मरता है, एनजीओ लोकांना मदत करता है, आणि दुसरीकडे या जीआरचं पालन न झाल्यामुळे 150 कोटी 225 कोटी बँकेत असताना कलेक्टर आणि तिथलं जिल्हा प्रशासन महाराष्ट्राच्या शासनाच्याकडे लक्ष देत नाही आहे। तातडीनं 24 तासाच्या मायनिंग फाउंडेशनच्या माध्यमातून गरिबांना सॅनिटायझर किट्स जेवणाचं अन्न आणि त्या ठिकाणी मास्क दिले पाहिजे आणि कोविड-19 मध्ये जनतेला मदत केली पाहिजे, ही मागणी माझी आहे। इनबीसीएन न्यूज के लिए क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।